नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट कक्षा 8 और तृतीय भाषा संस्कृत में, यानी कि दोस्तों संस्कृत के। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है 4। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने होंगे, निर्देश आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम रुख करते हैं सीधा क्वेश्चनों का। एक बात मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको इस हमारे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अब जितने भी विषय हैं ना आपके 8वीं क्लास के, उन सभी के चार चार से पाँच पाँच मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट है 8th क्लास एग्ज़ाम पेपर या फिर प्रिपरेशन ऐसा करके, तो वहाँ पर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपने पीछे के वीडियोस वॉच नहीं किए हो तो ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पहले पेज पर आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं और सभी क्वेश्चनों के जो पूर्णांक है वो उनके सामने अंकित है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यह है दूसरा पेज और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं 6 से लेकर के 14 तक। यदि आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो दोस्तों जल्दी ले, पॉज करके ले लें कोई दिक्कत परेशानी हो तो, यानी कि वीडियो को रोक करके। चलते हैं आगे के क्वेश्चनों की तरफ। तो दोस्तों देखिए, इस पेज के बचे हुए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो यदि आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी लें। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, 17वें क्वेश्चन के बचे हुए 2 क्वेश्चन ग और घ, ठीक है। 18, 19, 20वें का आपको चित्र नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार आप 18 तक ही स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं, क्योंकि 20वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इस स्लाइड में आ नहीं रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको 20वां क्वेश्चन पूरा पक्का नज़र आ रहा है, तो इनका आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अंतिम पेज की तरफ। तो दोस्तों, यह इस मॉडल पेपर का चौथा और अंतिम पेज है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं और वो नज़र आ रहे हैं आपको 22 से लेकर के 24 तक। 25वां क्वेश्चन आपको अलग से दिखाया जाएगा, जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यह है आपका 25वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये गद्यांश पढ़ना होगा और उसके बाद में इनके आंसर देने होंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।